पश्चिम बंगाल चुनावों की दहलीज पर खड़ा हुआ है। चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर सौरव गांगुली, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें यूं तो काफी पहले से तेज हैं। लोग पहले से कह रहे हैं कि सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बार क्यों पक्के तौर पर यह कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को पीएम मोदी की जो रैली कोलकाता के मैदान में होनी है, कोलकाता में होनी है, उसके भीतर सौरव गांगुली आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। किन वजहों के चलते ये बात कही जा रही है, हमारी आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इसका कितना नुकसान टीएमसी को हो सकता है। चलिए शुरू करें। पश्चिम बंगाल में चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम के सहारे लगातार तीसरी बार वहां की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के पास सीएम पद के लिए अभी तक कोई चेहरा मौजूद नहीं है। स्थानीय मीडिया के हवाले से अब खबर सामने आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने जा रही पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि पीएम की उपस्थिति में गांगुली बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद बंगाल की सत्ता लगातार तीसरी बार हासिल करने की फिराक में लगी टीएमसी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सौरव गांगुली काफी फेमस चेहरा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई हो। इससे पहले भी अनेकों ऐसे मौके आए जब ये चर्चा उठ चुकी। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सौरव गांगुली को बीजेपी पश्चिम बंगाल में सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। इन्हीं अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में गांगुली की उपस्थिति पर सबकी खास निगाहें रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि बंगाल का सीएम कोई बंगाली ही बनेगा, बाहरी नहीं। वैसे गांगुली की बीजेपी से समीपता की बातें कोई हवा हवाई नहीं है, कई मौकों पर ये साफ तौर पर देखा भी है। 24 फरवरी को गांगुली ने अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफें की थी। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार की सराहना की थी। उनकी इसी तारीफ को पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी जोड़कर देखा गया था। इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में सौरव गांगुली जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने आए, उस समय भी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज थी। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह से सौरव गांगुली के बहुत अच्छे संबंध हैं। गांगुली की पत्नी डोना को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में परफॉर्म करते देखा गया। डोना गांगुली क्लासिकल डांसर हैं। हालांकि लोग चाहें जो अटकलें लगा रहे हों, पर सौरव गांगुली कई बार मीडिया के सामने आकर इस बात का खंडन कर चुके हैं कि उनकी बीजेपी में जाने की कोई योजना नहीं है। वैसे कई मौकों पर गांगुली भले बीजेपी ज्वाइन करने से मना करते रहे हों, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर गांगुली की करीबियत बीजेपी से बढ़ता देखकर राजनीति की बेसिक समझ रखने वाला इंसान भी यही कह रहा है कि गांगुली बीजेपी में अनौपचारिक रूप से शामिल हो चुके हैं। इंतज़ार है तो बस ऐलान का, और शायद ये ऐलान 7 मार्च को पीएम मोदी की बंगाल रैली में हो ही जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।